तो क्रियांश की चार चार दीदी आ गई है राखी बांधने के लिए। हाँ जय जय। तो गाड़ी यहाँ लग गई है और एक गाड़ी उधर लगी हुई है। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्रियांश भी मस्त है और स्वस्थ है और बहुत नटखट हो चुका है। एक डांस। नो नो, ये देख लो, ये बहुत नटखट हो गया है। क्या तो रहा है, ऐसे ही चला। क्रियांश को देख सकते हैं, गेट पे बैठ के देखते रहता है किसी ना किसी को। अब क्या आया है क्रियांश? गैस सिलेंडर आया है बाहर। चलो अंदर देखो, एक पार्सल आया है। चलो देखते हैं खोल के क्या उसमें। आजा। तभी आया हुआ एक पार्सल, उसको खोल के देखते हैं क्या इसमें। क्या बोले माँ? हर पल जो एक्शन होता है, शूट किया जाए। सिनेमा शूट करने वाला ऐसे ऐसे करते रहता है दिन भर। चार आदमी हम लोग हैं। हाँ। चारों परेशान रहते हैं, पता नहीं लगता है कैसे समय बीतता है, कैसे काम मैनेज होगा, कैसे क्रियांश मैनेज होगा। क्रियांश बहुत नटखट हो गया है। क्रियांश नहीं जय। ओके जय। तो पति देव पीछे काम कर रहे हैं और मेरे हाथ में है झाड़ू, क्योंकि मैं भी लगाने वाली हूँ झाड़ू। मैं सुबह ही नहा लेती हूँ और पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है। भले ये बात अलग है कि मैं नहाई हुई भी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा काम रहता है। मैं बस नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद क्रियांश के पीछे, क्योंकि आजकल क्रियांश इतना नटखट हो गया ना, उसको एक सेकेंड छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे पति देव कर रहे हैं काम। तो हो गया, हो गया। बहुत दिनों बाद हम लोगों का ब्लॉग डलेगा। हाँ, तो आप लोग जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक तो ब्लॉग डल भी चुका होगा, तो ये दूसरा ब्लॉग रहेगा। और ये देख सकते हैं हमारे रूम का कुछ ऐसा हाल है अभी। ये हम डेली ठीक करते हैं और ये डेली खराब होता है, क्योंकि ये करता है क्रियांश, सारा कुछ फेंका हुआ है। और यहाँ पे ये काम करते हैं और इनका ये देख सकते हैं क्या हाल है। यहाँ पे ऐसे कोई काम करता है, लेकिन इनको कितनी बार भी समझाओ लेकिन ये ऐसे ही करेंगे, सारा सामान एक जगह आकर के रख। और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है जिसको मैं भी करूँगी ठीक। और ये मेरा डेली का काम है। और मैं अगर आपको रूम दिखाऊँ ना, मैं अपना रूम दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा हाल है। और प्याज उधर सोया हुआ है, मैंने इधर से इसको घेर दिया ऐसे कि वो इधर से इधर नहीं आए। तो पतिदेव अभी जाने वाले हैं बहुत अच्छे काम के लिए। शायद मोलू आया हुआ है नीचे। कौन है? मोलू है, आ रहे हैं, आइए पधारिए। इसका ये साइकिल है जिसे आगे पीछे आगे पीछे दिन भर ये घूमते रहता है। धन्नो है, धन्नो है। नया जूता लिया रे मोलू? नाइकी का है। वाह। 2 hours later. तो फिलहाल आए हुए हैं जी यहाँ महिंद्रा का जो शोरूम है वहाँ पर आए हुए हैं। एक गाड़ी तो लिया था ही कुछ दिनों पहले और एक गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है, तो वहाँ ले रहे हैं हमारे साले साहब, उसके लिए तो आए हैं। और साथ में अपना भी एक थोड़ा सा कुछ समस्या था, वो समस्या को लेकर के डिस्कस करने आए हैं। तो इंतजार कर रहे हैं भाई साहब के आने का, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी बातचीत आप लोगों से करेंगे। हमारा जो डिस्प्यूट था जी, वह डिस्प्यूट जो है कुछ हद तक तो रिजॉल्व हुआ है और उसके बाद बाकी का देखा जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप जो है स्टेटमेंट मंगाइएगा। आखिर कौन सा बात है डिस्प्यूट, वो आपको जो है घर में जाकर के बताएंगे। और फिलहाल जो अभी खुशी की बात है तो वही बात करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है गाड़ी निकलने वाली है जी। तो कौन सी गाड़ी है अभी आपको कुछ ही देर में दिखेगा। तो जी गाड़ी की तो डिलीवरी हो गई है और गाड़ी देख सकते हैं पीछे है, और यहाँ पर जो है केक कटिंग का भी सेरेमनी है। तो यहाँ पर केक आ चुका है। कैंडल नहीं है। तो बात है कैंडल नहीं है, तो केक मिला आखिर कंपनी की तरफ से, अच्छी बात है। और केक को काटा जाए। तो सब कुछ ही हैंड ओवर हो गया है, चाबी भी मिल गया है और जितना भी चीज़ होता है सारा फॉर्मेलिटी हो चुका है। और यहाँ पर जो है बस केक जो है काटा जाएगा, फुआ काटेगी और सबका मुंह मीठा करेगी। काटिए। लीजिए, जो जो बगल में है पहले खिलाती जाइए। गोलू का रहा है, छोटा पीस मिला है इसको। बड़ा पीस सही है इसको।
तो गाड़ी यहाँ लग गई है और एक गाड़ी उधर लगी हुई है, कौन बैठेगा उस पे? सबने गाड़ी में बैठेगा तो वो कौन चलाएगा? The next day. तो कल जी गाड़ी लेकर के तो आ गए थे और उसके बाद आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मोलू जो है आ चुका है अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए और अभी सुबह सुबह है, कल जो है मेरे ध्यान में नहीं रहा कि रक्षाबंधन के लिए मिठाई लेना है, तो अभी सुने हैं कि एक होटल ही बस खुला हुआ है, सुबह के 6:30 बजे है, जा करके लेकर के आते हैं। तो क्रियांश भी उठ गया है और क्रियांश के उठने के साथ ही जो है मिठाई भी आ गया है। तो मिठाई भी जो है दो तरह का है, मोलू अपने लिए जो है कुछ स्पेशल तरह का मिठाई मंगवाया है। तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारा मोमेंट है, बस खाली वही तो थोड़ी बचा हुआ है। वो भी गाड़ी लेने भी गए, हम बार बार याद दिला रहे थे कि पहले कितना हमेशा कैमरा ऑन रहता था, आजकल कैमरा ज्यादा ऑन नहीं रहता है, आजकल ऑन नहीं रहता है ज्यादा, कोई ना आदत छूट गया, धीरे धीरे हो जाएगा वो सब। क्या कर रहा है? चलिए हम नहा के हो चुके हैं रेडी, क्रियांश भी नहा लिया लेकिन अभी है नंगू बंगू, है क्रियांश नंगू बंगू ऑटो, तो हम पूजा भी कर लिए हैं, क्रियांश को करते हैं जल्दी से रेडी और फिर राखी बांधने का समय 7:30 बजे तक है, मोलू ऐसा बता रहा है लेकिन हमको पता था 8 बजे तक, लेकिन कोई नहीं, सुबह ही उठ गए थे। हाँ अच्छा, पंडित जी से पूछ के बताएं। यहाँ पर मोलू अपना राखी बंधवा रहा है, क्रियांश की भी बहन सब आने वाली है राखी बांधने के लिए, उससे पहले ही क्रियांश अपना मिठाई खा रहा है, बहन खिलाती है मिठाई लेकिन ये अपने से मिठाई ले लिया है। ये कस्टमाइज राखी जो है शायद पहली बार बंधा रहा है ना एकदम नाम से, पिछले बार अच्छा पिछली बार भी था कस्टमाइज फोटो वाला था, फोटो वाला था, अच्छा रुद्राक्ष है इसमें, ये किसको पहले खिलाया बताइए। थोड़ा सा तोड़ के दे दो, थोड़ा सा तोड़ के दे दो, हो गया? हाँ ठीक है, मामा खिला फिनिश। तो क्रियांश की 4-4 दीदी आ गई है राखी बांधने के लिए। हाँ जय जय क्रियांश, जय 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 करो, देखो जय जय सारी बहन राखी बांध ली इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी। जिया ने तो राखी बांध लिया जी अपने भाई को और क्रियांश का, और क्रियांश ने भी जो है राखी बंधवा लिया अपनी बहनों से। अब बारी है हमारी, तो अब हम जा रहे हैं जी राखी बंधवाने और दीदी ने जो है सभी को बुलाया है, तो हम जिया क्रियांश मिलकर के चल रहे हैं और दीदी के यहाँ चलते हैं और क्रियांश भी एकदम पूरा एक्साइटेड है कि बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी के घर, क्या दे दे, तो घर से सबको ये बाय बाय करके आया है। फाइनली हम लोग आ गए दीदी के घर और क्रियांश जो है अपनी खुरापाती पे है। थक गया है वो, आराम से बैठा हुआ है, आराम से बैठे वो। One hour later. तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर और क्रियांश को देख सकते हैं, क्रियांश अपना कपड़ा भी खोल लिया, इश टीवी कर रहा है, टीवी रूम घुसते ही बोलता है एसी चलाओ टीवी चलाओ,
इस और ईडी, इस मतलब एसी और ईडी मतलब टीवी। तो हमने अभी टीवी चला दिया क्योंकि हमको अभी रूम की करनी है सफाई, क्योंकि सुबह अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो मेरा बेड अभी ऐसा ही है, तो बेड को जल्दी से ठीक करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं। अपनी एक बहन से तो राखी बंधवा करके आ गए जी, और यहाँ पर हमारी दो बहनें और आई हुई है। क्रियांश का टीवी बंद हो गया है, तो अब क्रियांश जो है इधर देख रहा है। हमारी अपनी तो कोई भी सगी बहन नहीं है जी, लेकिन हमारे समाज और हमारी परिवार की सभी बहनें इतनी अच्छी हैं कि मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी कोई भी सगी बहन नहीं है। तो इन बहनों की वजह से ही हमारा रक्षाबंधन जो है हर साल एकदम खास हो जाता है। पापा के मुंह में दे दो आटा में। बाय बाय, बाय कर दो। तो क्रियांश चला गया अपने पापा के पास और पापा को पीट रहा है। आ क्रियांश, देख रहा है ये, ये कैसे देख रहा है? तुमने तो बनवाया नहीं। जय जय पापा का जय ही हो रहा है। और रिया जो है अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, तो जिया भी बांध रही है शिवम को राखी, और उसके बाद फिर रिया बांधेगी। ओए, और क्रियांश अपना इधर से जय जय कर रहा है। हाँ, ये कूपन मिल गया 500 रुपए का। वाह, ना ये कह रहा है जाके शॉपिंग करिए, 500 का छूट मिल जाएगा इसमें। मेरा भी राखी दिखा। तो सभी का कस्टमाइज राखी है, देख सकते हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है मोलू का ऋतिक, और यहाँ शिवम का है शिवम। लेकिन क्या मोलू लिखवाना चाहिए? ठीक है, अगली बार से मोलू बना लेना। ज्यादा लोकप्रिय है मोलू।